आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 22 बनाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 16, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट, आरएस अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के सारे एग्जांपल और हर एक क्वेश्चन और उसके हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन, वो सब मैंने करवा रखा है, वो सब किया हुआ है। अगर आप किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में डाउट्स हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ की चैप्टर वाइज आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्वेश्चन में एग्जांपल 22 में बोल क्या रहा है। बोल रहा कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है जिसका 8 रिब्स है। 8 रिब्स समझते हो, इसको रिब्स बोलते हैं, जो है ना ये जो है, ये सब रिब्स है, ये रिब्स है। वो जो आप देखते हो कि जो इसका निकला होता है ना, स्कोप जो निकला होता है हल्का सा गोल गोल टाइप का, है ना, तो इसको रिब्स बोलते हैं, ये रिब्स है। तो टोटल 8 रिब्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आर इक्वली स्पेस्ड, और ये सब क्या है, इक्वली स्पेस्ड है, एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड है। तो बोला कि एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा दिया गया है, फिगर में बोल दिया गया है। तो बोल रहा है कि एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, बोल रहा कि अगर इसको फ्लैट कर दिया जाए अम्ब्रेला को, देखते हो कभी जब आंधी तूफान चलता होगा तो अम्ब्रेला पलट जाता होगा, तो पलटने से पहले जो अगर बीच में अगर वो रुक जाए तो फ्लैट टाइप का हो जाएगा ऐसा। तो बोल रहा है कि ये जो फ्लैट है इसका, तो इसका रेडियस जो है, ये रेडियस बोल देगा कि ये जो रेडियस है सेंटर से, ये कितना है हमारा रेडियस, 42 सेंटीमीटर बोल देगा ना, 42 बोला है, हाँ 42, तो ये 42 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है हमें कि तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, बोल दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। तो दो रिब्स, कोई भी दो रिब्स ले लो, अगर मैं यही दो रिब्स लेता हूँ, ये एक रिब्स, ये दूसरा रिब्स, तो इसके बीच का एरिया यानी कि दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, यही एरिया निकालना है। तो एरिया देखो, आपको अगर देखें तो ये देखो, ये तो 42 सेंटीमीटर है रेडियस, तो एक तरह देखा जाए तो ये हमारा सेक्टर का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेक्टर वाला क्वेश्चन है ना। और हमें सिर्फ पता क्या करना पड़ेगा, ये एंगल पता करना पड़ेगा, तो ये एंगल मालूम करेंगे तो हो जाएगा। अब तुम खुद देखो कि कितना टू कंप्लीट जो है हमारा वो 360 होता है, तो हर एक एंगल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो यानी कि हर एक एंगल क्या होगा, तो उसको 360 से जब 8 को डिवाइड कर देंगे तो एक का निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ कि द एंगल बिटवीन टू रिब्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, तो हो गया 360, और टोटल रिब्स कितना है हमारा, 8 रिब्स है, तो 8 से डिवाइड कर दो तो आपको एक रिब का निकल जाएगा, यानी कि एक रिब के बीच का जो है हमारा वो एंगल निकल जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 8 8 चौके 32 4 ऐसे चला गया, 4 8 5 40, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री आ गया एंगल। अब सेट उसका एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ टू रिब्स निकाल लेते हैं, तो नाउ एरिया जो हमें निकालने के लिए कहा गया है ना, तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स of the umbrella is equal to क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का जो एरिया था इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि पाए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही हो जाएगा हमारा। चल तो इसका वैल्यू खाली डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो पाए का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया हमारा 42 इंटू 42, थीटा हमारा कितना आया है 45, इंटू 45 अप ऑन हो गया हमारा 360 डिग्री। चलिए अब बस काट कूट करो, आंसर आपका आ जाएगा 7 6 42 हो गए 6, ठीक। इसको काटेंगे इससे तो 8 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है ना, 45 8 जा हो जाएगा आपका कितना 360। चलिए और कुछ करने का, फिर अभी इसको काटते हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि 42 और ये 8 है ना, तो ठीक है काम करता हूँ मैं, इसको काटता हूँ, ये हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा हमारा 4। चलिए और कुछ करने वाला है, कटेगा काट ही लेते हैं, तो 4 इसको 2 से काटो तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा हमारा 3, और इसको काटो 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 21। चलिए तो यानी कि कुल मिला के जो आपका जो आंसर है वो ये आया है कितना, 11 × 3 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा कितना, 11 × ये हो जाएगा हमारा कितना कि 20 या 60, यानी कि 63,
ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा 11,333 × 3 × 3 11,666 × 3 = 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें निकालने के लिए कहा गया था कि एरिया ऑफ रिब निकाल के बताइए, एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स हमारा आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब जो होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 23 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद, जय भारत।